सकते हैं, आप वेब डेवलपमेंट कर सकते हो, आप ऐप डेवलपमेंट कर सकते हो, उसमें फर्दर ऑफ एंड्रॉइड कर सकते हो, iOS कर सकते हो, यू कैन जस्ट गो एंड एक्सप्लोर डेटा साइंस, आप मशीन लर्निंग में जा सकते हो. लेट्स से अगर आपने वेब डेवलपमेंट सीखा है, आपने वेबसाइट बनाई है, आपने एज अ प्रोजेक्ट आपने कुछ वेबसाइट बनाई है, तो मेक श्योर आप उसे लाइव कर रहे हो. बिकॉज आप अगर अपने प्रोजेक्ट्स को डिप्लॉय करते हो तो इट गिव्स यू एन एज ओवर अदर कैंडिडेट्स जो कि रेज्यूमे में सिर्फ और सिर्फ अपना प्रोजेक्ट का नाम और नीचे उसका डिस्क्रिप्शन मेंशन कर देते हैं. Hey everyone, welcome to Coding Ninjas YouTube channel. This is Tripti and in this video I'll be talking about a roadmap to become job ready programmer in 2022. So इस video को pointers की form में discuss करेंगे जिसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें देखेंगे जो कि एक particular order में हमको करनी चाहिए ताकि at the end of a particular time, कुछ amount of time के बाद हम एक job ready programmer बन जाएं. सो या पॉइंटर्स की फॉर्म में इस वीडियो को देखते हैं एंड इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द कोडिंग निंजास यूट्यूब चैनल. सो लेट्स जस्ट गेट इनटू द वीडियो. ओके, सो द फर्स्ट थिंग और द फर्स्ट पॉइंट इज लर्न टू कोड. तो सबसे पहले अगर आपको प्रोग्रामर बनना है तो हमारी जो सबसे बेसिक चीज होती है कि कोई भी एक लैंग्वेज पिक करनी है. लैंग्वेज कौन सी पिक करनी है? जावा, C++, पाइथन. लोगों के दिमाग में बहुत क्वेश्चंस आते हैं. तो यार आई विल जस्ट से कि लैंग्वेज से इतना फर्क नहीं पड़ता. आपको जो है उसके कॉन्सेप्ट्स और उसके जो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम वाली चीज़ होती है ना, वो सबके लिए सेम होती है. आप एक लैंग्वेज के थ्रू सीख जाओ तो बाकी सब लैंग्वेजेस में बस सिंटैक्स अलग होगा, कुछ चीज़ें अलग होंगी, बाकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है ना वो उसी तरीके से होनी है. तो आप लैंग्वेज आप अपने अकॉर्डिंगली पिक कर सकते हो. अगर आपने C++ थोड़ी सी पहले पढ़ी है तो आप C++ पिक कर सकते हो. अगर आपको लाइक मशीन लर्निंग की तरफ जाना है या पाइथन ईजी लगती है, पाइथन पिक कर सकते हो. मतलब एनीथिंग, जो भी लैंग्वेज आपको लग रहा हो आपसे ईजिली हो जाएगी, उस लैंग्वेज को आप पिक कर सकते हो. आफ्टर पिकिंग अ लैंग्वेज उसके बेसिक से स्टार्ट करना है, उसके फंडामेंटल से स्टार्ट करना है. बहुत जो बेसिक चीज़ होती है कि सबसे पहले डेटा टाइप्स हो गए, वेरिएबल्स हो गए, फंक्शंस हो गए, लूप्स क्या होते हैं. लूप्स के बाद आपको पैटर्न प्रॉब्लम्स अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, उससे लूप्स की फंक्शनिंग समझ आएगी, कोड्स का मतलब क्या होता है वो चीज़ें समझ आएंगी. सो धीरे धीरे करके जो बेसिक चीज़ें हैं ना उन पर आपको पहले एक्सेल करना है, उनको अच्छे से करना है. उसके बाद यू हैव टू स्टार्ट विद योर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम. सो आप जिस भी लैंग्वेज को पढ़ रहे हो, जिस भी लैंग्वेज में आप कोडिंग कर रहे हो, उस लैंग्वेज के अंदर ही आपको डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स पढ़ने हैं बिकॉज वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग का काफ़ी इंटीग्रल पार्ट होते हैं. सो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम में आप एरे से स्टार्ट कर सकते हो, देन मूविंग ऑन टू लिंक लिस्ट एंड देन आपका ऐसे एक स्टेप बाय स्टेप आपको सारे डेटा स्ट्रक्चर्स करते चले जाने हैं. और इसमें कभी भी कोई भी डेटा स्ट्रक्चर रैंडमली पिक नहीं करना है. कोई भी रोड मैप ले लो, कोई भी रिसोर्स ले लो. अगर आप कोर्स फॉलो कर रहे हो, अगर आप किसी यूट्यूब चैनल को फॉलो कर रहे हो, तो किसी भी एक पर्टिकुलर रिसोर्स से जो भी उनके पूरा रोड मैप है, उनका पूरा जो पाथ उन्होंने पिक कर रखा है, उसी पाथ को एक्सप्लोर करते हुए, उसी पाथ के अकॉर्डिंगली चलते हुए धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको सारे डेटा स्ट्रक्चर्स करने हैं और उनकी प्रैक्टिस करनी है. आपको लाइक अराउंड 200 क्वेश्चंस तो मिनिमम करने ही करने हैं व्हाइल यू आर लर्निंग दोज डेटा स्ट्रक्चर्स. तो ये आपके 200-250 क्वेश्चंस तो इसी में ही हो जाएंगे जब आप लैंग्वेज सीख रहे होंगे. सो सबसे पहली चीज क्या थी? लर्न टू कोड. सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज योर डेवलपिंग योर स्किल सेट. सो उसको डिस्कस करने से पहले, जो हमने कोडिंग वाला पोर्शन की बात करी थी, DSA जो आपको है नॉर्मली करने में 4-5 months लग जाते हैं. सो अगर आप पूरा एक लैंग्वेज पिक करके डेटा स्ट्रक्चर्स तक की सारा अगर आप करना चाह रहे हो तो ये आपको 5-6 months आपका कम से कम ले जाएगा. और कोई दिक्कत नहीं है, इस 5-6 महीने में हर एक चीज अच्छे से स्लोली एंड स्टेडली करनी है, कंसिस्टेंटली करनी है. बहुत डिस्क्रीट वे में, रैंडमली मत करना. अगर डेली किसी चीज की हैबिट डालोगे, डेली डेटा स्ट्रक्चर्स या जो भी आप लैंग्वेज पूरी पढ़ रहे हो उसको डेली डेली करोगे तो ही आपके लिए सही रहेगा. सो जो सेकेंड चीज है वो है योर डेवलपिंग योर स्किल सेट. डेवलपिंग और स्किल सेट में आपने एक बार एक लैंग्वेज में DSA कर लिया तो उसके बाद आता है अब आपका डेवलपमेंट साइड या आपका दूसरे स्किल्स वाला साइड जो आपका फील्ड होता है. बहुत सारे अलग चीज़ें हो सकती हैं. आप वेब डेवलपमेंट कर सकते हो, आप ऐप डेवलपमेंट कर सकते हो, उसमें फर्दर ऑफ एंड्रॉइड कर सकते हो, iOS कर सकते हो, यू कैन जस्ट गो एंड एक्सप्लोर डेटा साइंस, आप मशीन लर्निंग में जा सकते हो. जो भी चीज़ आपको इंटरेस्टिंग या इंट्रीगिंग लग रही है, जो आपको करने का मन है, कोई भी एक चीज़ उठाओ एंड स्टिक टू इट
फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 months इन इट्स लर्निंग, कि उसके लिए आप लेट्स से 2 महीने उसको लगाओ उसको पढ़ने के लिए, उसको सीखने के लिए कि क्या होता है, कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, क्या उसमें चीज़ें हैं। या कोर्स के थ्रू कर सकते हो, या ऑनलाइन फ्री प्लेटफॉर्म्स या फ्री रिसोर्सेज के थ्रू कर सकते हो, किसी पर्टिकुलर यूट्यूबर को फॉलो कर सकते हो, एनीथिंग दैट यू फील लाइक कि तो आपको हेल्प करेगा, आप वो सारी चीज़ें करो और किसी भी एक को उठा के उस पर आपको स्टिक करना है फॉर द नेक्स्ट 2 months, 2-3 months। एंड आफ्टर दैट आपने जब एक बार चीज़ें सीख ली हैं तो आपके पास अगर कोई आइडिया है, और नहीं भी है तो बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे। सो आप बेसिक से आइडिया से स्टार्ट कर सकते हो, या फिर अगर आपको लगता है आप इतने केपेबल हो आपको एक बड़ा आइडिया उठा सकते हो एंड आप उस पर एक प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट कर दो। एक तो वो आपका स्किल इन्हांस करने में भी हेल्प करेगा, दूसरी चीज़ आपकी रेज्यूमे बिल्डिंग में भी हेल्प करेगा, बिकॉज आप एक प्रोजेक्ट डाल पाओगे उसके अंदर। सो आपके स्किल सेट डेवलप करने के बाद आप नेक्स्ट 1, 2 or maybe 3 months एंड आई गेस 2 months आर इनफ, आप उसको प्रोजेक्ट बनाने में इन्वेस्ट कर दो, एंड ताकि आपकी रेज्यूमे बिल्डिंग में भी हेल्प हो जाए एंड आपके स्किल्स भी इन्हांस हो जाए। ऑलराइट, सो फॉर द थर्ड पॉइंट, हमने अब प्रोजेक्ट्स बना लिए, अपने पूरा सीख लिया डेवलपमेंट के बारे में या जो भी चीज़ हम पढ़ रहे थे, तो नाउ इज़ द टाइम टू डिप्लॉय योर प्रोजेक्ट। डिप्लॉइंग मतलब वो रियल टाइम में आपका यूज हो सके, ऐसा नहीं सिर्फ आपने प्रोजेक्ट बना के अपने सिस्टम में स्टोर कर लिया। लेट्स से अगर आपने वेब डेवलपमेंट सीखा है, आपने वेबसाइट बनाई है, आपने एज अ प्रोजेक्ट आपने कुछ वेबसाइट बनाई है, तो मेक श्योर आप उसे लाइव कर रहे हो। सो दिस इज बेसिकली मेंट बाय डिप्लॉयमेंट, बिकॉज आप अगर अपने प्रोजेक्ट्स को डिप्लॉय करते हो तो इट गिव्स यू एन एज ओवर अदर कैंडिडेट्स जो कि रेज्यूमे में सिर्फ और सिर्फ अपना प्रोजेक्ट का नाम और नीचे उसका डिस्क्रिप्शन मेंशन कर देते हैं। सो इफ यू आर डिप्लॉइंग इट, सो इट एक्चुअली शोज योर सिंसेरिटी एंड आपका जो काम है वो इजिली जो भी इंटरव्यूअर हैं, जो भी रेज्यूमे आपका पढ़ रहे हैं, वो इजिली देख भी सकते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि हमारे लिए काम आता है। सो हमें हर एक स्टेप पे जो चीज़ करते हुए चलना है ना, आगे के लॉन्ग टर्म में जो मेरे को फायदा करेगी वो चीज़ देखते हुए चलना है। सो सिर्फ हार्डवर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क भी करना है। दैट इज वाई अगर आपने कुछ मेहनत करी है, कुछ प्रोजेक्ट बनाया है, सो उसको डिप्लॉय जरूर करना। सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। ऑलराइट, सो फॉर द नेक्स्ट पॉइंट आई वुड लाइक टू से रेज्यूमे बिल्डिंग, कि ठीक है हमने अपना स्टार्ट करा था कोडिंग से, हमने DSA सीखा, हमने बेसिक सीखा पूरा प्रोग्रामिंग का, हमने उसमें काफ़ी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे, देन हमने डेवलपमेंट सीखा, देन हमने उसके लिए प्रोजेक्ट बनाया, उसको डिप्लॉय भी कर दिया। अब हम अपनी रेज्यूमे बिल्डिंग पे ध्यान देंगे कि हम अपना रेज्यूमे इस तरीके से मेंटेन करके चलेंगे कि हमारे पास एज अ कैंडिडेट हमारे पास एडवांटेज हो जितनी हो सकती है। ऑब्वियसली यू कांट बी लाइक डूइंग एवरीथिंग, यू कांट बी परफेक्ट, बट जितना मैक्सिमम एडवांटेज हो सकता है हम उतना रख के चलेंगे। सो ये कैसे होगा, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने अचीवमेंट्स वाले सेक्शन को फिल करना, कि अगर हम कॉम्पिटिशन्स में पार्ट ले सकते हैं, अगर हम हैकाथॉन्स में पार्ट ले सकते हैं, या कोई ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ है। बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं जो कि आपके कंपनीज उन प्रोग्राम्स के थ्रू भी हायर कर लेती हैं। सो इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज गेन करना और इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करके अपने अचीवमेंट सेक्शन को इन्हांस करना, ये सारी चीज़ें भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं अगर आप अपने रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट करवाना चाहते हो। सो दैट इज़ वाई रिज्यूमे बिल्डिंग इज इम्पॉर्टेंट, एंड उसमें आप जितनी चीज़ें कर सकते हो, जितनी चीज़ें ऐड करना चाहते हो या यू वॉन्ट टू एक्सप्लोर, वो सारी करना जो कि आपको एज अ बेटर कैंडिडेट रिफ्लेक्ट करे एंड आपके चांसेज इंक्रीज करे, चांसेज ऑफ लाइक रिज्यूमे गेटिंग शॉर्ट लिस्ट। सो या दिस वॉज योर रिज्यूमे बिल्डिंग वाला पॉइंट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। ओके, सो फॉर द नेक्स्ट पॉइंट आई वुड लाइक टू से प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। एंड एट टाइम्स क्या होता है कि वेन यू आर फोकसिंग वे टू मच ऑन DSA और प्रोजेक्ट्स, यू फॉरगेट सम पोर्शन जो कि और भी इम्पॉर्टेंट है या इक्वली इम्पॉर्टेंट है, एंड दैट इज़ योर प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। उसमें आ जाता है आपका OS हो गया, DBMS हो गया, आपका कंप्यूटर नेटवर्क्स हो गया, इवन योर एप्टीट्यूड। सो थिंग्स लाइक दिस जो होती है ना, या आप शायद उस टाइम पे ध्यान नहीं देते हो, बट लेटर आपको रियलाइज़ होती है कि काफ़ी पूछी जाती हैं आपके जितने भी कोडिंग राउंड्स वगैरह भी होते हैं ना, उसके अंदर MCQs के फॉर्म में काफ़ी आ जाते हैं, छोटे छोटे आपको MCQs दिखेंगे। सो दीज थिंग्स हेल्प यू नो मूव फॉरवर्ड, एंड आपके इंटरव्यूज़ में भी पूछ लेते हैं। सो दैट इज़ वाई हमें प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स को इग्नोर नहीं करना है। आप बिल्कुल इसे एंड के लिए मत छोड़ना कि हाँ हम बिल्कुल इंटरव्यू से पहले पढ़ने बैठ रहे हैं, नहीं, मेक श्योर कि साइड बाय साइड ही ना, कि दिन में डेली 1 घंटा पढ़ लिया या आधा घंटा पढ़ लिया, जब भी आपको लगे कि हाँ मैंने काफ़ी प्रिपरेशन कर ली है, मेरी प्लेसमेंट्स या मेरी इंटर्नशिप्स पास आ रही हैं, तो अब मैं थोड़ा थोड़ा 1 घंटा डेली दे दूंगा दैट जिससे कि मेरा एट दी एंड मेरे पास प्रेशर नहीं रहे। सो दैट इज़ वाई प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स इज अ थिंग जो कि आपको इग्नोर नहीं करनी है। एप्टीट्यूड के अलावा
या एप्टीट्यूड में भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम्स होती हैं, आपकी टाइम एंड वर्क हो गया, आपका परसेंटेज हो गया. सो ये सारी चीज़ें भी प्रैक्टिस करके जानी है, बिकॉज वहाँ पे जाके पैनिक हो जाएगा नहीं तो बहुत ज़्यादा. एंड अब DSA कर भी जाओगे लेकिन बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स आपका जो ओवरऑल स्कोर है कोडिंग नॉन्स में वो कम रह जाएगा. सो उससे शॉर्ट लिस्टिंग के चांसेस रिड्यूस हो जाएंगे. सो दैट इज़ वाई प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स को इग्नोर नहीं करना. ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रैक्टिसिंग प्रीवियस क्वेश्चंस. सो प्रीवियस क्वेश्चंस में आपके सिर्फ और सिर्फ कोडिंग के इंटरव्यू क्वेश्चंस ही नहीं आते हैं, कि आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले जितने भी हो गए वो तो करने हैं, इंटरव्यू क्वेश्चंस आप जितने प्रीवियस प्रैक्टिस कर सकते हो वो सब भी करने हैं. उसके अलावा जो ऑनलाइन कोडिंग राउंड्स के MCQs वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, छोटे छोटे आउटपुट बेस्ड हो गए, लाइक एट टाइम्स आपके C++ या जावा के आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं. सो बेसिक सिंटेक्स ना दोनों लैंग्वेजेस का थरो करके रखना, बिकॉज अगर आपको C++ नहीं आती है, सॉरी C++ भी आती है, एट टाइम्स जावा के आउटपुट वाले कोड्स आ जाते हैं, सो उस केस में फिर आप कुछ कर नहीं पाओगे. सो बेसिक सिंटेक्स थोड़ा बहुत पढ़ के रख लेना दूसरी लैंग्वेज का. अगर C++ आती है तो थोड़ा सा जावा का पढ़ लेना, जावा में आप कोड करते हो तो थोड़ा सा C++ का पढ़ लेना. अदरवाइज मोर और लेस हल्का सा सेम ही होता है, रीड करके समझ आ जाता है, बट फिर भी एट टाइम्स थोड़ा डिफिकल्टी ना हो तो बेसिक सिंटेक्स पढ़ के चले जाना. सो या सो कोडिंग ग्राउंड्स के लिए आपके जितने भी MCQs होते हैं या जो भी चीज़ें, प्रीवियस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से काफ़ी हेल्प मिलती है, काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलता है, बिकॉज वो चीज़ आप पहली बार नहीं देख रहे होते हो, या उस टाइप के क्वेश्चंस आप पहली बार नहीं देख रहे होते हो, आप प्रैक्टिस कर चुके होते हो. सो उसको भी कर लेना, नेट पे बहुत मिल जाए. ऑलराइट, सो फॉर द लास्ट पॉइंट आई वुड लाइक टू से गिविंग मॉक इंटरव्यूज. सो मॉक इंटरव्यूज बिकम एंड एडवांटेज टू यू अगर आपने उनको प्रैक्टिस या दे रखा होता है तो, बिकॉज आप डायरेक्टली इंटरव्यूज वाले दिन इंटरव्यू के सामने जाके या एक अननोन पर्सन के सामने जाके बैठते हो जो कि आपको टेस्ट कर रहे हैं या फिर जो आपसे प्रॉब्लम दे रहे हैं और आपको वहाँ पे सॉल्व करना है, तो वो उस टाइम पे मे बी आपके लिए थोड़ा सा स्कैरी हो जाए, आप पैनिक कर सकते हो बिकॉज यू आर नॉट यूज टू दैट हैबिट. सो दैट इज़ वाई आई सजेस्ट देर नंबर ऑफ साइट्स, नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे आप मॉक इंटरव्यूज दे सकते हो. मॉक इंटरव्यूज़ आपको ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइम पहले से देना है, जब भी आपके इंटरव्यूज पास आ रहे हो उसके थोड़े टाइम पहले से फीजिबल लगे, मे बी 1 month प्रायर, उससे पहले आप मॉक इंटरव्यूज देना शेड्यूल करना स्टार्ट कर दो, कि थोड़े थोड़े टाइम बाद एक आधा मॉक इंटरव्यू दे दिया, ताकि आपको इंटरव्यू की प्रैक्टिस बनी रहे एंड आपके अंदर का जो इंटरव्यू का डर है वो भी निकल जाए. एकदम कोई चीज़ सामने आएगी तो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाएगा. सो मॉक इंटरव्यूज आपका उस चीज़ में हेल्प कर देंगी. एंड ऑल्सो आपको मॉक इंटरव्यूज से थोड़ा ये भी पता चल जाएगा कि किस तरीके से वहाँ जाके बोलना है या फिर किस तरीके से कम्युनिकेशन होगा, कि आपको जो टाइम गैप है उनकी प्रॉब्लम बताने में और आपके सॉल्यूशन सोचने में वो किस तरीके से हैंडल करना है, ये सारी चीज़ें विद एक्सपीरियंस आपको पता चल जाएंगी. एंड अगर आप इस चीज़ को और बेटर करना चाहते हो या सीखना चाहते हो तो आप इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस भी पढ़ सकते हो लोगों के, जिसमें वो पूरा बताते हैं कि किस तरीके से उनसे क्वेश्चंस पूछे, उन्होंने क्या आंसर किया, तो ताकि आपको और बेटर पता चल जाए कि कौन से क्वेश्चन का किस तरीके से आंसर करना है. एंड इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस में भी अगर आप किसी पर्टिकुलर कंपनी के लिए दे रहे हो तो उस कंपनी का भी आप इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस जो लोगों के हैं वो अलग से पढ़ सकते हो. एंड आई गेस कोड स्टूडियो के अंदर भी वहाँ पे इंटरव्यू बंडल्स हैं या फिर इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस हैं फॉर पर्टिकुलर कंपनीज, वो दे रखे हैं. सो वहाँ से जाके देख सकते हो. उसमें ये भी बता रखा है कि वो रिजेक्ट हुए थे या एक्सेप्ट हुए थे, तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पे क्या गलती हुई थी क्या नहीं हुई थी. सो ये सारी चीज़ें अगर आप पढ़ के जाओगे, पहले से प्रिपेयर होके जाओगे, सो आपके लिए एट दी एंड बेटर रहेगा. एंड थोड़ा सा प्रिपेयर्ड रहोगे मेंटली भी, एंड ऑब्वियसली प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स तो आपकी अच्छी हैं क्योंकि आप इतना प्रैक्टिस कर चुके हैं. सो या दिस वॉज अबाउट योर मॉक इंटरव्यूज. ओके, सो दिस वॉज अबाउट इट फॉर दिस वीडियो. इस वीडियो के अंदर मैंने सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं कि स्टेप बाय स्टेप आपको क्या क्या चीज़ें करनी है सो दैट आप एक जॉब रेडी प्रोग्रामर बन जाते हो एट दी एंड. एंड इफ इट ऑल इसमें आपको कोई भी डाउट्स हो, कोई क्वेरीज हो एंड कुछ पूछना हो कि कैसे किया जा सकता है, ये क्या से करना है, एनीथिंग, यू कैन जस्ट राइट देम डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन. एंड ऑल्सो इसमें एक चीज़ जो आपको कंसिस्टेंट रखनी है वो है आपकी प्रैक्टिस. इवन इफ आप डेवलपमेंट भी कर रहे हो ना, तो बीच में एवरी डे एटलीस्ट एक क्वेश्चन ज़रूर कर लेना कोडिंग का, ताकि आदत ना छूटे. एंड कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है कम्प्लीटली, थोड़ा बहुत साइड बाय साइड करके चलना है. जैसे अगर आप मान लो डेवलपमेंट कर रहे हो, डेवलपमेंट के टाइम पे आपको रोज़ 1 घंटा मान लो मैंने कोडिंग को देना ही देना है. एंड उसके बाद आपने डेवलपमेंट कर ली, अब आप मान लो कोर सब्जेक्ट्स की तरफ आ रहे हो, कुछ और करने जा रहे हो, तो थोड़ा टाइम टू टाइम अपना प्रोजेक्ट्स रिवाइज कर लिए, उसमें क्या बनाया था क्या नहीं बनाया था, क्योंकि इंटरव्यूज़ में वो आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछते हैं. तो चीज़ों को थोड़ा सा टाइम टू टाइम रिवाइज करके चलोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा. नहीं तो एट दी एंड एकदम सब कुछ रिवाइज करना थोड़ा सा
दिक्कत हो जाएगा. एंड इस तरीके से प्रेपरेशन करके चलनी है कि बिफोर योर एक्चुअल प्लेसमेंट और इंटर्नशिप सेशन यू हैव थोड़ा सा इनफ टाइम टू रिवाइज एंड टू स्टे काम. कि मतलब आपके पास एटलीस्ट 15 डेज या 20 डेज या इवन वन मंथ भी हो लास्ट में रिविजन करने के लिए. ऐसा होता है सो इट इज़ वेल एंड गुड. नहीं भी होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस अपनी साइड से अपना बेस्ट देना है, चीज़ें ढंग से करें. So yeah, this was about this video and I hope you liked it. And if you did, please like and share this video with your friends. And again, if any doubts or queries, you can write them down in the comment section and also subscribe to the Coding Ninjas YouTube channel. So thank you so much for watching this video and have a nice day.